हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है विनायक बिल्डर्स एंड डेवलपर्स चैनल में। नमस्ते, जय हिंद, खमा घणी, जयपुर। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बार फिर एक बेहतरीन शानदार प्रॉपर्टी 116 वर्ग गज में। आप देख सकते हैं बेहतरीन शानदार दो डुप्लेक्स विला है जो कि 4 BHK है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि बिना बेल आइकन प्रेस किए आपको नई नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। लगे हाथ चैनल को शेयर करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, नॉन सभी को इसका चैनल का लिंक शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की, जो कि 116 वर्ग गज का ये वीडियो होने जा रहा है। अगर फेसिंग की बात करें तो ईस्ट फेसिंग मकान है, वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है और अगर मेजरमेंट की बात करें तो 15x70 इसका मेजरमेंट है, वास्तु के अकॉर्डिंग है, 80% लोनेबल है, सोसाइटी पट्टे में है। अगर डिस्टेंस वाइज बात करूं रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से तो अप्रोक्सीमेटली 16 किलोमीटर डिस्टेंस यहां से पड़ता है और वहीं पे अगर झोटवाड़ा से मैं बात करूं तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस है। अगर हाथोज स्टैंड की मैं अगर बात करूं तो एरियल डिस्टेंस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 400 मीटर डिस्टेंस यहां से है। इसी के साथ में ऑल एमिनिटीज़ हियर, 500 मीटर रेडियस के अंदर सारी एमिनिटीज़ आपको मिलेगी, सच एज स्कूल, मॉल्स, मार्केट, हॉस्पिटल और वेजिटेबल शॉप्स। ये सारी एमिनिटीज़ जो आपको 500 मीटर रेडियस के अंदर मिलने वाली है, इसी के साथ में पानी, बिजली, सारा सुविधाओं के साथ आपको मिलने जा रहा है ये 116 वर्ग गज का। और बात करें अगर हम इस रोड की तो 30 फीट रोड है ये, और अगर किशोरपुरा रोड की मैं बात करूँ तो जस्ट इससे पीछे एक प्लॉट के जस्ट पास में ही है, तो यूँ कह सकते हैं हम कि 50 मीटर इससे किशोरपुरा रोड से ये मकान है। और उसी के साथ में सामने की तरफ देख सकते हैं ऑक्सफोर्ड प्राइम स्कूल है यहाँ पर नज़दीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है 30 फीट रोड। इसी के साथ में सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने बहुत सारे मकान देखे होंगे जबकि कुर्सी हाइट काफ़ी नीचे है, लेकिन इस मकान के अंदर आपको कुर्सी हाइट काफ़ी हाइट देकर ली गई है, जिससे कि भविष्य के अंदर ये आपकी रोड चाहे कितनी भी हाइट में आ जाए आपका मकान दबने वाला नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है रैंप और रैंप के साथ में ऊपर जाते ही आपको एक बेहतरीन शानदार स्पेशियस मिलती है पार्किंग, 15x15 के स्पेस में मिलती है। और साथ ही यहाँ पर आयरन गेट जो कि इजी मूवेबल है, और यहाँ देख सकते हैं आयरन गेट है, इजी मूवेबल है, कलर कॉम्बिनेशन के साथ है। इसी के साथ में लाइट्स मिलती है यहाँ पे, और यहाँ चारों तरफ आपको 2.5 फीट की टाइल्स लगा करके दी गई है जो कि सीलन के और पपड़ी की समस्या से छुटकारा। इसी के साथ में यहाँ मिलता है 8000 लीटर कैपेसिटी का पानी का टैंक और ये है मीटर बॉक्स। इसी के साथ में ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं आप, ये पार्किंग के अंदर आपको मिलती है लाइट्स, लैंप वगैरह लगा के ऊपर पार्किंग, ये बालकनी टीवी है जिसके अंदर वुडन कलर दिया हुआ है। और इसी के साथ में बाहर से जीना मिलता है यहाँ पे, यहाँ देख सकते हैं ये है मोटर का प्रोविजन आपको दिया गया है। और इसी के साथ में यहाँ देख सकते हैं ये है लॉबी एरिया और ये है फ्रंट साइड बेडरूम, बाहर से जीना है। 4 BHK मकान होने जा रहे हैं ये, जिसके अंदर ऊपर 2 बेडरूम हॉल है और नीचे 2 बेडरूम हॉल। इसी के साथ बाहर से जीना है, तो अभी मैं आपको लॉबी से लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है लॉबी एरिया, और इसी के साथ में जैसे ही हमने लॉबी से एंटर किया तो सबसे पहले हमें शानदार जिसमें झूमर वगैरह लगा हुआ है, ऊपर फॉल सीलिंग वगैरह की बात करें वहीं पे एक वॉल है जो रॉयल प्ले में डिजाइनिंग के साथ मिलती है,
यहां देख सकते हैं वॉश बेसिन, इसी के साथ में ये है बाथरूम, इंडियन टॉयलेट है। और सामने की अगर हम बात करें, ये ईस्ट फेसिंग है, वास्तु के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको मिलता है किचन, मॉड्यूलर किचन एल शेप में है, देख सकते हैं आप, पूरे फर्नीचर वगैरह सारा लगा करके दिया गया है, बॉक्सेस वगैरह सारा लगा करके आपको मिलता है। उसी के साथ में यहाँ देख सकते हैं आप, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ मास्टर बेडरूम में, और ये है मास्टर बेडरूम, 10x12 साइज का ये रूम है, एक वॉल है जो रॉयल प्ले में डिजाइनिंग के साथ मिलती है, ऊपर की दीवार है तो वॉल सीलिंग वगैरह दी हुई है, और सामने की तरफ देख सकते हैं ये है बाथरूम, वेस्टर्न टॉयलेट है। और इसी के साथ में अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो ये मिलती है आपको एक वार्डरोब, और सामने की तरफ यहाँ है अटैच्ड गैलरी, वेंटिलेशन की कोई कमी नहीं है, और एसी फिटिंग आप देख सकते हैं यहाँ एसी फिटिंग है। इसी के साथ में अभी मैं वहां पर आपको लेकर चलता हूँ, अभी हम आगे हॉल में, और अभी मैं लेकर चलता हूँ फ्रंट साइड बेडरूम में, यहाँ देख सकते हैं आप फ्रंट साइड बेडरूम है, 10x10 साइज का ये रूम है, और यहाँ देख सकते हैं एक वॉल जो रॉयल प्ले में डिजाइनिंग के साथ है, ऊपर की तरफ देख सकते हैं फॉल सीलिंग दी हुई है, पंखे लाइट बिजली सब लगा करके आ गई है, एक वार्डरोब आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक वार्डरोब भी मिलती है आपको, और सारे पर्दे वगैरह सब लगा करके आपको दिए गए हैं, यहाँ देख सकते हैं आप ये पर्दे हैं जो कि पूरे पर्दे कर्टन वगैरह लगा करके दिए गए, यहाँ भी देख सकते हैं आप ये कर्टन वगैरह लगा के दिए, ये एंट्री फ्रंट साइड से एंट्री भी है, यहाँ देख सकते हैं से गेस्ट रूम की तरह से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था ग्राउंड फ्लोर का 2 बेडरूम सेट, इसी के साथ मैं ऊपर लेकर चलता हूँ मैं, तो इसकी कीमत मात्र 51 लाख रुपीज है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, 80% लोनेबल है, सोसाइटी पट्टे में है, और 4 BHK मकान है। अभी आपने देखा ग्राउंड फ्लोर जिसमें 2 BHK सेट है, इसी के साथ में ऊपर में लेकर चलता हूँ, वहाँ भी 2 बेडरूम सेट है, और इसे रेंटल इनकम भी है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर से आप अगर ऊपर रख सकते हो तो इसकी रेंटल इनकम भी है कि आप रेंट में दे सकते हैं, या दो भाई हैं तो अलग अलग रह सकते हो। चलिए सुनिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टील की रेलिंग है, ग्रेनाइट का जीना है, और ये है सिक्योरिटी लाइट्स के अंदर, और ये देख सकते हैं टी फ्रेम लगाया हुआ है, और इसी के साथ में अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर हॉल में, हॉल में आ चुका हूँ मैं, और जैसे मैंने एंट्री की तो यहाँ देख सकते हैं 8x8 का ये रूम है, एक जो कि ये देख सकते हैं सामने की तरफ ये कर्टन वगैरह लगे हुए हैं, और जो कि नीचे पोर्च एरिया था उसी का ये रूम है, और इसके अंदर यहाँ देख सकते हैं आप ये है बालकनी जो कि स्टील की रेलिंग है, टफन ग्लास यूज किया हुआ है, ऊपर की तरफ देखें तो वुडन कलर किया हुआ है, आसपास की लोकेशन देख सकते हैं आप, इसी के साथ में एक बेडरूम है, और लॉबी से एंट्री कर रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है किचन, ओपन किचन मॉड्यूलर किचन दिया हुआ है। इसी के साथ में यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मिलता है वॉश बेसिन, और ये है बाथरूम, और इसी के साथ ये मिलता है आपको मास्टर बेडरूम, काफी स्पेशियस मास्टर बेडरूम है, और 10x14 साइज का ये रूम है, और एक वॉल पे रॉयल प्ले में डिजाइनिंग के साथ मिलती है, ये देख सकते हो आप पर्दे वगैरह सब लगाए हुए, और सामने की तरफ यहाँ 2 छतरी बना करके, और इसके अंदर पूरा सामान रखने के लिए वार्डरोब दी गई है जो कि काफी सामान आपका आ सकता है। इसी के साथ में यहाँ ये किचन हो गई, और इसी के साथ में आपको बैक साइड में ओपन टेरिस मिल गई, यहाँ देख सकते हैं ये है पूरी टेरिस, और ये ओपन टेरिस है, और ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ी मिलती है, यहाँ पर ये पानी की टंकी एक यहाँ है और एक ऊपर है, आसपास की लोकेशन देख सकते हो, और सामने की तरफ आप देख सकते हो इस गली में ये गाड़ियाँ चलती हुई बाइक चलती हुई दिखाई दे रही है,
ये है किशोरपुरा रोड। तो आप देख सकते हो कितना नियरेस्ट है किशोरपुरा रोड से, और सामने की तरफ विनायक कॉलेज, ये देख सकते हैं विनायक कॉलेज है। तो एक शानदार बेहतरीन प्रॉपर्टी है, अगर इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐसी और भी प्रॉपर्टी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर।